सड़क पर मिला 25 लाख का बैग पुलिस को सौंपा। गाजियाबाद के ई रिक्शा चालक के ईमान को सलाम। चंद रुपए की खातिर अपनों का खून बहाने वाली खबरें खूब पड़े होंगे, लेकिन ये खबर साबित कर रही है कि रुपया ईमान से बढ़कर नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आर्थिक रूप से बेहद कमजोर ई रिक्शा चालक को रोड पर पड़े 25 लाख रुपए मिले। 500 की गड्डियां देखकर उसका मन नहीं डोला, रुपए से भरा बैग लेकर मोदी नगर थाने पहुंचा और SHO भानु प्रताप सिंह को सौंप दिया। ई रिक्शा चालक की ईमानदारी से खुश होकर DCP देहात रवि कुमार ने सर्टिफिकेट और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। किदवई नगर कॉलोनी निवासी आस मोहम्मद मंगलवार को तिबड़ा रोड स्थित बम्बे के पास से गुजर रहे थे, तभी वहां लावारिस बैग दिखा। उन्होंने बैग खोलकर देखा तो उसमें 500 की 50 गड्डियां थी। इतने रुपए देखकर वो कुछ देर मौके पर ही रुके रहे, सोचा जिसका बैग होगा उसे लौटा देंगे। काफी देर तक कोई नहीं आया तो अपने दोस्त सरफराज अली के साथ मोदी नगर थाने पहुंचे। वहां SHO को जानकारी दी और नोटों से भरा बैग सौंप दिया। आस मोहम्मद के परिवार में 3 बेटे, 1 बेटी और पत्नी है। आस मोहम्मद की इस ईमानदारी को देख जनता ने भी सोशल मीडिया पर सराहना की है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया, ये ई रिक्शा चलाने वाले आस मोहम्मद है। एक लवारिस बैग में इन्हें 25 लाख रुपए मिले। इतनी बड़ी रकम देखकर भी आस मोहम्मद का ईमान नहीं डगमगाया, उन्होंने बैग पुलिस को सौंप दिया। गाजियाबाद पुलिस ने ईमानदारी के लिए आस मोहम्मद को सम्मानित किया। हम आपको सैल्यूट करते हैं आस मोहम्मद जी, पत्रकार वसीउद्दीन सिद्दीकी ने ट्वीट किया। ई रिक्शा चलाने वाले आस मोहम्मद को एक लवारिस बैग मिला जिसमें करीब 25 लाख रुपए थे। इतनी बड़ी रकम देखकर भी आस मोहम्मद का ईमान नहीं डगमगाया, उन्होंने बैग पुलिस को सौंप दिया। गाजियाबाद पुलिस ने ईमानदारी के लिए आस मोहम्मद को सम्मानित किया, आप पर फक्र है, पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने लिखा। ईमानदारी को सम्मान, गाजियाबाद के ई रिक्शा चालक आस मोहम्मद को एक लवारिस बैग मिला। उस बैग में करीब 25 लाख रुपए थे, लेकिन इतनी रकम देखकर भी आस मोहम्मद का ईमान नहीं डोला, उन्होंने वो बैग पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने इस ईमानदारी के लिए आस मोहम्मद को सम्मानित किया है। लखनऊ पुलिस में ASP मनीषा सिंह ने ट्वीट किया, ईमानदारी से सुकून मिलता है। गाजियाबाद के आस मोहम्मद को नहर के किनारे 25 लाख रुपए से भरा बैग मिला। 25 लाख से इनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आ सकते थे, लेकिन ईमानदारी से कीमती कुछ नहीं। इस तरह का व्यक्तित्व रखने वाले नागरिक बिना वर्दी के ही देश के सच्चे सिपाही हैं। इरफान उल्ला तुर्की नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, गुर्बत भी 25 लाख की रकम से ईमान को नहीं डिगा पाई। गाजियाबाद के आस मोहम्मद ने जिले का नाम किया रोशन, ये ई रिक्शा चालक आस मोहम्मद है। नहर किनारे संदिग्ध बैग दिखा, खोला तो कैश था। बैग लेकर थाने पहुंच रकम पुलिस को जमा करा दिया, ये यकीनन ईमानदारी की मिसाल है, आइए इनकी दुनिया से पहचान कराए। पत्रकार निसार सिद्दीकी ने ट्वीट किया, 10-20 हजार में जहां लोग अपना जमीर बेच देते हैं, वहां 25 लाख रुपए भी एक गरीब मुसलमान आस मोहम्मद की ईमानदारी नहीं डिगा पाई। आस मोहम्मद ने 25 लाख पाए और पुलिस को दे दिए, ऐसे ईमानदार शख्स को सलाम। गाजियाबाद के ई रिक्शा चालक आस मोहम्मद की इस ईमानदारी को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।